हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, जी हाँ, आपकी हेल्थ सपोर्टर, जो कि है आरोही हेल्थ केयर। तो आरोही हेल्थ केयर को हमेशा से सब्सक्राइब करके रखिए। और आज मैं बताऊँगी कि आप अपनी योनि को, यानी कि अपनी वेजाइनल टाइटनेस को वापस कैसे लाएं, वेजाइनल टाइटनिंग कैसे करें, क्या इतना मुश्किल है? एक बार आपने वर्जिनिटी खो दी, उसके बाद क्या ये हमेशा के लिए फैल जाती है? या आफ्टर प्रेगनेंसी, जब आपकी बेबी आपके पास होता है लेकिन आपकी वेजाइना जो आपको लगती है कि अपनी टाइटनेस खो चुकी है, तो कैसे इसे वापस लाएँ के तरीकों के बारे में। नंबर वन है कीगल एक्सरसाइज, यानी कीगल एक्सरसाइज आपको दिन में 10 से 20 बार जरूर करना है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 बार तक भी ले जा सकते हैं। अगर आप इसे इतनी ज़्यादा करते हैं तो आपकी जो टाइटनेस है वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। तो इसे करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, लेकिन हाँ, सबसे बेस्ट होता है कीगल एक्सरसाइज, जो आपके वजाइनल और आपकी ओपरी के मांसपेशी जो फैल चुकी है उसे सिकुड़ने में और उसे टाइट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्क्वैट। स्क्वैट करना, स्क्वैट लगाना एक ऐसी एक्सरसाइज जो नेचुरली आपकी वजाइना को फिर से टाइट कर देती है, आपकी योनि फिर से टाइट हो जाएगी। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, दिन में 10 से 20 बार स्क्वैट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आपकी लोअर बॉडी को भी मेंटेन करके रखती है, एक्स्ट्रा फैट को हटाती है, ये आपकी मांसपेशियों यानी कि योनि की, आपकी वजाइना की मांसपेशियों को भी टाइट करती है। तो इसे करने का तरीका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट जो तरीका है जिससे आपकी वजाइना होगी टाइट, वो है आपका डेली योगा करना। यानी कि अगर आप डेली एक्सरसाइजेस करते हो, या आप व्यायाम करते हो, वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो, तो फिर आपकी वजाइना टाइट रहेगी और आपकी मांसपेशियां जो आफ्टर बर्थ, बेबी बर्थ के बाद जो लूज हो चुकी है या फिर काफ़ी उम्र होने के साथ वजाइना ढीली हो चुकी है, वो हो जाएगी बिल्कुल ही टाइट। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हमेशा से आपको ये सलाह देते हैं कि आपको उत्तेजना भी ज़रूरी है। जी हाँ, फोर प्ले, जब आप फिजिकल होने के लिए रेडी होती है तो फोर प्ले अच्छे से होना चाहिए। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर जितनी आपकी शरीर में उत्तेजना होगी उतनी ज़्यादा आपकी मांसपेशियाँ लूज होगी, और जब आप इंटीमेशन के दौरान आपको उसमें तकलीफ कम होगी और ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेचनेस कम होगी, तो आप उत्तेजना भी काफ़ी ज़रूरी होती है फीमेल्स में। उसी के साथ साथ आपको बताया जाता है डॉक्टर्स के सजेशन से कि आपको फिजिकल होने से पहले, संबंध बनाने से पहले आपको रखना चाहिए इन बातों का ख्याल जो मैंने आपको अभी बताया। आप अपनी वजाइना को ख्याल रखिए, उसके साफ सुथरे रहने का भी ख्याल रखिए, वरना उसमें हो सकती है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। तो दोस्तों, इसी तरह हेल्थ टिप्स जानने के लिए और मेरे साथ हमेशा से हेल्दी रहने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।